हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ESI यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो आपके परिवहन विभाग में वैकेंसी आया हुआ है। और इसमें हमारे बहुत सारे सेट्स हो चुके हैं, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक सारे सेट्स लगाने हैं। अगर आपको टाइम बीत जाता है और आप भूल जाते हो तो फिर से एक बार लगाओ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप सेट्स लगाते रहते हो तो आपका क्वेश्चंस रिवाइज होते रहेगा, ठीक है। इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिल के सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो हम लोग टेम्पररली किस चीज़ पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं, तो यह है मुद्रा की आपूर्ति में कमी लाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में किसकी स्थिरता बनाए रखने का प्रस्ताव होता है। तो दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में कर राजस्व का राष्ट्रीय आय के साथ अनुपात बनाए रखने का प्रस्ताव होता है, ठीक है, किसमें, तो दीर्घकालीन राजकोषीय नीति में। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर का भार मुख्यतः किन्हें वहन करना पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली किस चीज किन को, यानी आप अगर बताओ निर्माताओं, व्यापारियों, उपभोक्ताओं या करदाताओं में से किन को चुकाना होता है, तो यह है उपभोक्ता यानी आप जो कस्टमर्स हो अल्टीमेटली वही इस टैक्स को चुकाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई वाणिज्यिक बैंक ऋण तभी दे सकता है जब उसके पास, तो कोई वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक कब आपको लोन दे सकता है, जब उसके पास मात्रा से अधिक रिजर्व हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए किसके स्तर में परिवर्तन किया जाता है। निवेश और बचत को बराबर रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग आय के स्तर में परिवर्तन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो GNP की गणना करते समय हमें नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किसका भाग है। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज किस चीज का भाग है, तो किस चीज का भाग है, यह है राष्ट्रीय आय का। सार्वजनिक ऋण पर ब्याज राष्ट्रीय आय का एक भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी नोट के पीछे कुछ परिसंपत्तियां होती है, ठीक है, ये परिसंपत्तियां किसकी निर्धारित मात्रा या राशि से कम नहीं हो सकती है, जल्दी बताओ, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो यह सोना और विदेशी प्रतिभूतियां, क्या है ये, रिजर्व बैंक के करेंसी नोट के पीछे, ठीक है, रिजर्व बैंक जो रिजर्व बैंक नोट जारी करती है, ठीक है, उसके पीछे कुछ परिसंपत्तियां होती है, यानी अगर 100 रुपया का नोट जारी किया गया है तो इस 100 रुपये के कागज के टुकड़े का इतना वैल्यू क्यों है, क्योंकि रिजर्व बैंक को इस 100 रुपये वैल्यू का कुछ या तो गोल्ड या करेंसी प्रतिभूतियाँ, सॉरी विदेशी प्रतिभूतियाँ, ठीक है, इसके फॉर्म में इतना चीज़ स्टोर रखना होता है, यानी रिजर्व रखना होता है, इसी कारण से आपका उस नोट का वो वैल्यू हो जाता है। यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मर्चेंट बैंक ऐसी संस्थाएं हैं जिनका मुख्य प्रयोजन वित्त उपलब्ध कराना है। मर्चेंट बैंक मेनली किन को वित्त यानी जो फाइनेंस है वह अवेलेबल कराती है, तो यह देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए फंड अवेलेबल करवाती है मर्चेंट बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो मुद्रा को जारी करना और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को भारत में क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है न्यूनतम रिजर्व पद्धति। यानी आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मुद्रा को जारी करने का जो पद्धति है भारत में वो कौन सा है, तो वह है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्यतः ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था। तो ब्रिटिश पूंजी का निवेश औपनिवेशिक काल के दौरान मुख्यतः कृषि क्षेत्र में किया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस स्थान पर हाल ही में कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का उद्घाटन किया गया।
कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन लद्दाख में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन से अभिप्राय है। मुद्रा के अवमूल्यन यानी डिवेल्यूशन से क्या मतलब है? तो मुद्रा का डिवेल्यूशन का मतलब है कि फॉरेन करेंसी के रेस्पेक्ट में अपने करेंसी का वैल्यू कम करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, मुद्रा की बाहरी मूल्य में कमी लाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? दीन ए इलाही धर्म, आसान सा क्वेश्चन है, यह शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हीन यान तथा महायान धर्म किसके दो भाग हैं? हीन यान और महायान यह बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? यह है पतंजलि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? वैसाखी मनाया जाता है पंजाब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्यौहार में सूर्य की पूजा की जाती है? तो वह कौन सा त्यौहार है जिसमें सूर्य की पूजा की जाती है? तो कौन सा त्यौहार है? वह है आपका छठ, जो बिहार में मेनली मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर ये कौन सा है? यह करणी माता का मंदिर। कहाँ है ये करणी माता का मंदिर? ये राजस्थान में स्थित है। इसको चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप है, तो सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है जल्दी बताओ? तो ये स्थित है रामेश्वरम में। कहाँ स्थित है? रामेश्वरम में स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल बताओ। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? यह आपका कौशाम्बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेरूसलम किन लोगों का, यहाँ पे को नहीं कहा होगा, ठीक है, किन लोगों का तीर्थस्थल है? जेरूसलम किन का तीर्थस्थल है? ईसाइयों का, यहूदियों का, मुस्लिमों का? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से सभी। तो कुछ लोगों ने तो तुक्का लगा लिया इनमें से सभी, और उनका वह बिल्कुल सही है। ठीक है, जेरूसलम यहूदियों का, ईसाइयों का और मुस्लिमों का, इन सब का तीर्थस्थल है। अगला क्वेश्चन है, संगीत नाटक एकेडमी कहाँ स्थित है? संगीत नाटक एकेडमी कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? भारत में प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुआ था? यह हुआ था हैदराबाद में, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये था प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी भारत का। अगर आपका हैदराबाद ऑप्शन में ना रहे तो आप न्यू दिल्ली ऑप्शन मारोगे, क्योंकि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी खुला था वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यह आपका तेलुगु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम है, राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? यह नाम है वीरभूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति है वास्को डिगामा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यह है एमुंडसेन। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? आसान सा क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। अगला क्वेश्चन है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर जाना जाता है? लिटिल मास्टर के नाम से किनको जाना जाता है? लिटिल मास्टर, यह है सुनील गावस्कर। ठीक है, और मास्टर ब्लास्टर ये जाना जाता है सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन है, एस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? एस शब्द किस खेल से जुड़ा है? किससे जुड़ा है? यह लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? तंबाकू विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 31 मई को। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को
किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यह दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना 1945 में हुई, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। IMF का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ है, यह है Washington DC में। अगला क्वेश्चन है, वाहनों को प्रस्थान करने या आगे बढ़ने का संकेत देता है कौन सा कलर, ट्रैफिक नियम का कौन सा कलर, आसान सा क्वेश्चन है, हरा कलर जो है वह वाहनों को आगे बढ़ने का संकेत देता है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बिछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, आसान सा क्वेश्चन है, ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन है, वायुवृद्ध पुरुष के नाम से किनको जाना जाता है, तो यह है दादा भाई नौरोजी, जिनको वायुवृद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है, ड्यूस मार्क ये कहाँ की मुद्रा है, तो यह जर्मनी की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था, आसान सा क्वेश्चन है, प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, ये था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, जो 1774 से लेकर 1785 तक गवर्नर जनरल रहे थे, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बिना प्रोग्रामिंग का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से, बिना प्रोग्रामिंग, अच्छा यहाँ से ये बिना प्रोग्रामिंग सही नहीं बोल सकते हैं, सही तरीके से नहीं है क्वेश्चन में, फ्रीली प्रोग्रामेबल, इसको इस तरह से पढ़ो, ठीक है, फ्रीली प्रोग्रामेबल का मैकेनिकल कंप्यूटर निम्न में से कौन सा है, बिना प्रोग्रामिंग नहीं, ठीक है, फ्रीली प्रोग्रामेबल, ये आपका Z1, यह दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है, जो आपके बुलियन सिस्टम लॉजिक्स पे काम कर रहा था, ठीक है, बुलियन लॉजिक्स या बाइनरी फ्लोटिंग नंबर्स, ठीक है, इस पर काम करने वाला ये पहला कंप्यूटर था जो फ्रीली प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर था। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर को किस देश में विकसित किया गया, डिजिटल कंप्यूटर को किस देश में विकसित किया गया, यह किया गया था USA यानी अमेरिका में। अच्छा यहाँ से देखो कुछ बच्चों का शिकायत है कि सर कंप्यूटर आप क्यों पढ़ाते हो, कंप्यूटर सिलेबस में है क्या, देखो सिलेबस में क्या है उससे मतलब नहीं है, GK GS का पोर्शन बहुत वास्ट होता है, और अगर कहीं से भी आपको अगर दो क्वेश्चन पूछ लिया गया एग्जाम में तो आप क्या बोलोगे ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो GK का एज सच वैसा कोई सिलेबस नहीं होता है जो आप सोच रहे हो कि अगर उसमें कुछ भी लिखा हुआ है तो सिर्फ वहीं से क्वेश्चन आएगा, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी फील्ड से, जैसे कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन पूछा गया वो आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, तो अगर 10 क्वेश्चन आप पढ़ भी लोगे अपने सेट में तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इन शॉर्ट मैं अगर दूसरे रिस्पेक्ट में बोलूं तो आप में से 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसने रेलवे के लिए भी अप्लाई किया होगा, ठीक है, तो क्या वहाँ पे आपसे कंप्यूटर नहीं पूछा जाता है, तो 10 क्वेश्चन पढ़ने में आपका कुछ जाता नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि आप कहीं से पीछे ना रह जाओ, अगर कोई क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा जाता है तो आप उसको भी आंसर करने में सक्षम रहो, ठीक है, इसलिए आप सेट में पढ़ते जाओ जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है, डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति का सिद्धांत क्या है, यह है गणना एवं तर्क, ठीक है, यानी कैलकुलेशन और लॉजिक्स, यही होता है डिजिटल कंप्यूटर का मेन काम करने का तरीका। अगला क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा कौन सा है, चौथी पीढ़ी यानी 4th जनरेशन के कंप्यूटर का मेन पार्ट क्या है, कौन सा है मेन पार्ट उसका, उसका मेन पार्ट जो होता है वो है माइक्रो प्रोसेसर, इसी के बेस्ड कंप्यूटर को हम लोग 4th जनरेशन के कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे, वॉल्व लगे कंप्यूटर किस पीढ़ी के थे, जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है, ये था आपका पहला पीढ़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक के रूप में किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है मोजले और एकर्ड को, ठीक है, और कंप्यूटर ये है चार्ल्स बैबेज, कंप्यूटर का अगर आविष्कारक पूछा जाए तो ये हो जाएंगे चार्ल्स बैबेज, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर नहीं पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन हो जाएंगे ये हो जाएंगे मोजले और एकर्ड, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता है, ये तो आपका आविष्कार आविष्कारक का क्वेश्चन हो गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेटेलाइट लिंक किस फ्रिक्वेंसी का उपयोग करता है, सेटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है, यह करता है 4 से 12 मेगाहर्ट्ज़ के फ्रीक्वेंसी का, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रसार के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं जल्दी बताओ, किसका उपयोग करते हैं सूचना प्रसार के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल? तो यह आकाशीय प्रसारण का उपयोग करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? भारत की संसद के द्वारा दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? यह हुआ था 1985 में, ठीक है। और वो कौन सा अमेंडमेंट था जल्दी बताओ, तो वो था 52वां अमेंडमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कार्यक्रम जो लॉन्च किया गया था उसका मेजर कारण क्या था? उसका था क्रिप्स मिशन की विफलता। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? हुमायूं को किस लड़ाई के बाद भारत से भागना पड़ा था, वो लड़ाई कौन सा था? वो था कन्नौज, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध के बाद, ये युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में, और इस युद्ध के बाद हुमायूं को भागना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसको कहते हैं हम लोग, किसको कहते हैं? ये कहते हैं समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर किस आंदोलन में भाग लिया था, वो कौन सा आंदोलन था? वो था आपका असहयोग आंदोलन, ठीक है। 1920 ईस्वी में ये स्टार्ट हुआ था, और इसमें हिंदुओं का भी समर्थन था और मुसलमानों का भी समर्थन था। ये खत्म कब हो गया? 1922 में आपका चोरी चारा कांड हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खत्म किया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एनर्जी फोरम ने किस शहर में न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया है? इंडिया एनर्जी फोरम ने न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन कहाँ किया? ये क्या है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया? तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का जो मैकाले का विचार था, इसको हम लोग मैकाले मिनट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको 1935 में इसने पेश किया था, ठीक है। और उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। विलियम बेंटिक 28 से लेकर 35 तक रहे थे, और इन्होंने ही मैकाले मिनट को स्वीकार किया था। अगला क्वेश्चन है, गॉडविन ऑस्टिन है एक, आसान सा क्वेश्चन है, गॉडविन ऑस्टिन क्या है? यह एक शिखर है और भारत का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, जिसको हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइफून प्रायः आते हैं, तो टाइफून प्रायः आपको किस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? तो टाइफून प्रायः आपको चीन और जापान के समुद्रों में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है? अगर हम लोग हमारे कृषि के अभिलक्षण का बात करें, तो इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो आपको देखने को नहीं मिल पाएगा? क्या फसलों की विविधता देखने को मिलती है? बड़े फार्मों का आधिक्य देखने को मिलता है? प्रकृति पर अधिक निर्भरता देखने को मिलता है? या उत्पादकता का निम्न स्तर देखने को नहीं मिल सकता है? क्या आपको नहीं मिल सकता है, ये आपको बताना है। इसमें से भारत में आपको बड़े फर्मों का अधिक, यानी जो फर्म है वो बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली में हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो अभी आप देखते हो ना, कि बहुत ही कम आदमी तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, पर जीडीपी में हमारा जो योगदान है वो बहुत ही कम है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि यहाँ का जोत बहुत छोटा है, ठीक है। और जोत अगर छोटा होता है तो हम लोग जो प्रोडक्शन है वह ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। आपके बहुत कम जगह, जैसे अगर पंजाब आप चले जाओ तो वहाँ पे आपको कुछ बड़े बड़े जोत मिलेंगे, लेकिन इंडिया के अदर पार्ट्स में, स्पेशली बिहार यूपी जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, ठीक है, इन सब एरिया में आपको जोत बहुत छोटा मिलता है। और ये एक सबसे मेजर ड्रॉबैक है हमारे कृषि में से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बड़े फर्मों का आधिक नहीं देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरण आय होती है, अंतरण आय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से है, अंतरण आय किसको कहते हैं? अंतरण आय, इसको हम लोग ट्रांसफर इनकम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है? देखो, अंतरण आय वो होता है जो आपने कमाया नहीं है, ठीक है, किसी के द्वारा आपको दे दिया गया है, उसको हम लोग अंतरण आय बोल सकते हैं। जनरली ये सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब यहां से आप ऑप्शन देखो और आंसर करो।
वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो। क्या ये लगता है आपको सही आंसर होगा? बिल्कुल लगता है क्या? होना ही चाहिए, अगर आपको नहीं लगता है तो आंसर नहीं होगा क्या? बड़े आए आप लोग लगने वाले, लगना नहीं है आंसर देना है यहाँ पे, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अंतरण आय उस आय को कहते हैं जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो। जैसे आपका कोई सब्सिडीज आपको दिया जाता है, सब्सिडी मिल गया, गैस सब्सिडी या किसी भी चीज में, ठीक है, पेंशन वगैरह मिल जाता है, स्टूडेंट वगैरह को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, तो इन सारे चीजों को हम लोग अंतरण आय बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रखना जो मैंने अभी बताया। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान लिया था? तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने GATT का स्थान लिया है। GATT का फुल फॉर्म जल्दी से मुझे बताओ, GATT का फुल फॉर्म क्या होता है? आसान सा क्वेश्चन है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और इसका जगह WTO ने कब ले लिया? 1995 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के बाद की जाती है? वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होता है या कितने वर्षों के बाद की जाती है, आपको बताना है। कितने वर्षों के बाद? तो वह 5 वर्षों के बाद, ठीक है। वित्त आयोग की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित है कहाँ है? आपको जो संविधान के निर्माता थे और जो भी लोग उसमें शामिल थे, उनके आपको मनोभावों को देखने को या उनके आदर्शों को देखने को संविधान के उद्देशिका में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना में, ठीक है, या प्रीएम्बल में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली सबसे लंबी नॉन स्टॉप पैसेंजर फ्लाइट जिसका नाम था क्वांटम एयरलाइन QF7879, इसने न्यूयॉर्क से उड़ान भरकर 19 घंटे और 16 मिनट में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में ये पहुंची? जल्दी बताओ। तो आपका आंसर है सिडनी, ठीक है। यह विश्व की सबसे लंबी नॉन स्टॉप पैसेंजर फ्लाइट थी। अगला क्वेश्चन है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? उसको तदर्थ समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तदर्थ समिति। अगला क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है? अगर किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को पेंशन देना है तो उसको हम लोग किस निधि से, किस फंड से देंगे? किस फंड से देंगे? उसको हम लोग संचित निधि से ही देंगे जहां से उनको सैलरी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में आप किसके मदद से परिवर्तन कर सकते हो? इसको हम लोग माइक्रोफोन के मदद से परिवर्तित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे की पटरी में रेलों के जोड़ों के बीच थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है, क्यों? दो पटरी के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने इसको आंसर किया है। सही जो आंसर है वह है, ताप के मौसमी परिवर्तन के कारण, पटरियों की विकृति से बचने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? अगर किसी भी धातु को आप ऐसे डाइजेस्टिव मटेरियल यूज करना चाहो किसी चीज को डिकम्पोज करने के लिए, तो आप लोगों को उसमें से एक चीज देखना पड़ेगा कि मेरा जो धातु है वह किस तरह का चालकता वाला होना चाहिए। तो उसका जो है क्या बोल सकते हो, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, वह अधिक होना चाहिए, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा अगर उसका अधिक होगा तो वह अच्छे से काम कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए किस भुगतान प्रणालियों को अधिकृत करने के दिशा निर्देश जारी किए? किस चीज के लिए? तो नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए RBI ने किस भुगतान प्रणाली को अधिकृत करने का दिशा निर्देश दिया है? यह है ऑन टैप। क्या है? ऑन टैप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है? कौन सी एक ऑप्टिकल डिस्क है? कंप्यूटर से आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क इसमें से कौन सी है? तो वर्म डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है, जैसे आपका CD, DVD, Blu-ray ये सब ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, ठीक है, उसी तरह से वर्म डिस्क ये यूज किया जाता था पहले। अच्छा, वर्म का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। क्या होता है? WORM, राइट वंस रीड मैनी, ये होता है वॉर। तो वॉर्म डिस्क भी एक ऑप्टिकल डिस्क है। अगला क्वेश्चन है, API का पूरा रूप क्या होता है?
एपीआई का पूरा रूप आपको बताना है ये क्या होता है। ये होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस ये होता है एपीआई का पूरा फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विमंदक या मॉडरेटर के रूप में हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? सोडियम वेपर लैंप जो है, ठीक है, वह पीले रंग के साथ जलता है, इसका क्या कारण है? इसका येलोइस का कारण क्या है? उसका कारण है कि सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। ये लोनी और क्षारीय मृदा याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन मैं अभी बना के दिखाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, ये लोनी और क्षारीय मृदा जो है, ठीक है, इसको आप इंग्लिश में भी याद रखना, सेलाइन और अल्कलाइन सोइल इसको बोलते हैं। ठीक है, लोनी और क्षारीय यानी सेलाइन और अल्कलाइन, इसका दूसरा नाम क्या क्या हो सकता है? इसका 3 नाम है, इसलिए अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका नाम है रे, ठीक है, इसका नाम है जो कलर, क्या नाम है? कलर, और तीसरा नाम है उसर। तो यहाँ आपको जो दिख रहा है वह है कलर, तो 3 अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको उल्टा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कलर मृदा को और क्या कहा जाता है, तो आपका रे, उसर, लोनी और क्षारीय ये सब रहेगा। तो याद रखना, लोनी और क्षारीय मृदा को कलर कहा जाता है, रे कहा जाता है, और उसर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है, ऐसा क्यों? समुद्र का जल जो है वर्षा के जल से अधिक नमकीन क्यों होता है? क्योंकि जब बारिश होती है तो वह क्या करता है, जमीन पे जो भी, हर जगह तो ये नहीं होता है, जहाँ पे भी रॉकी एरिया है, ठीक है, जहाँ पे सॉल्टी एरिया है, वहाँ पे अगर बारिश हुई तो उस सारा जो वहाँ का सॉल्ट है वो खींच कर कहाँ लेके जाता है, समुद्र में, और वहाँ जाके डिपॉजिट कर देता है। तो क्या कारण हो जाएगा, नदियाँ जो है वह मिट्टी से नमक धोकर उन्हें समुद्र में डाल देती है, इस कारण से समुद्री जल अधिक खारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है आपको देखना है, भिलाई स्टील प्लांट महाराष्ट्र, क्या ये सही है? यही तो गलत है। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है, कोई मुझे जल्दी से बताओ, भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? रेस्ट आपका सब सही है, भिलाई स्टील प्लांट यही आपका गलत है। ठीक है, तो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? भिलाई स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में, कहाँ है? भिलाई छत्तीसगढ़ में है, और इस कारण से ये आपका गलत हो जाएगा। रेस्ट आप याद कर लो, बोकारो स्टील प्लांट ये झारखंड में है, राउरकेला स्टील प्लांट ये ओडिशा में है, दुर्गापुर स्टील प्लांट ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा या ग्लूकोज क्या होता है, या शुगर बोल सकते हैं, ग्लूकोज नहीं, शुगर कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये आपका पेंटोज। ठीक है, देखो डीएनए से मैं एक थोड़ा सा बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनते हैं। ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखना, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा ये। सबसे पहली बात, डीएनए किस चीज से बना होता है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप जानते हो न्यूक्लियोटाइड, किस चीज से? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से बना होता है, एक आपका है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, एक आपका है शुगर ग्रुप, और एक आपका है नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछा गया है कि बेस की तरह हम लोग क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन यूज करते हैं, तो 3 चीज, सबसे पहले डीएनए किससे से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड किससे से बना हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। क्लियर हो गया, अब ये जो नाइट्रोजन बेस है ये किन चीजों से बना होता है, तो ये 4 चीजों से बना होता है, क्या क्या? यहाँ पे अब आपका होता है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, आपने सुना है ना, वही है। ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, ये 4 चीजों से बना होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुगर बेस किन चीजों से बना होता है, शुगर बेस जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो शुगर बेस जो है यह पेंटोज शुगर से बना होता है, किससे? पेंटोज। पेंटोज क्या हो गया, पेंटोज में 5 रिंग होते हैं, जिसको हम लोग पेंटोज बोलते हैं। अब इसी का 2 रूप है, राइबोस और डायराइबोस। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस जो डीएनए के फुल फॉर्म में आता है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये आपका फुल फॉर्म आता है। ठीक है, तो यहीं से आपका आता है, पेंटोज शुगर का 2 फॉर्म हो गया,
राइबोस के फॉर्म में और डीऑक्सी राइबोस के फॉर्म में, तो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये सारे चीजें अगर आपके दिमाग में रहे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पेंटोस। अगला क्वेश्चन है, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? इन चार ऑप्शन में से आप क्या हटा लोगे उसके बिना भी बीज अंकुरित हो सकता है? तो वह आपका पर्याप्त प्रकाश। प्रकाश का बीज के अंकुरण में कोई रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः जीव अपना स्थान बदल सकते हैं, किंतु निम्न में से कौन सा जीव स्थान नहीं बदल सकता है? इन चारों में से एक ऐसा जीव है जो अपना स्थान नहीं बदल सकता है, वह कौन सा जीव है? वह है आपका स्पंज। ठीक है, यह स्थान नहीं बदल सकता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक से अल्कोहल के उत्पादन को क्या कहते हैं? जो माइक्रोब्स है उसके द्वारा जो कार्बोनिक कंपाउंड्स है उसको अल्कोहल में परिवर्तन कर दिया जाता है और इसको हम लोग किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है? ओडोंटोलॉजी, जल्दी बताओ, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दांत का अध्ययन किया जाता है ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, अकशेरुकी में नहीं होता है, अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट्स में क्या नहीं होता है? तो उनका पृष्ठ रज्जु या नोटोकॉर्ड उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किनके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है कपिल देव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2019 में मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2019 में मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता? किसने जीता था? ये जीता गया था केविन क्रेविट्स और एंड्रियास माइस के द्वारा। किसके द्वारा? केविन क्रेविट्स और एंड्रियास माइस के द्वारा फ्रेंच ओपन 2019 का मिक्स्ड डबल खिताब जीता गया था। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क तो ये स्थित है असम में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़ना है, कौन सा कथन सही नहीं है, जल्दी पढ़ो और आंसर करो। चलो पढ़ता हूं मैं भी आपके साथ। पहला ऑप्शन है, बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, क्या ये गलत है? ये तो भाई बिल्कुल सही है, ये तो चलेगा। दूसरा है, निरक्षरता में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, निरक्षरता में यानी क्या बिहार के पुरुष महिलाओं से ज़्यादा अनपढ़ है, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बिहार में पुरुषों की जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, वो महिलाओं की लिटरेसी रेट से ज़्यादा है, तो आपका यही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए डॉक्टर YSR नवोदय योजना लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? YSR जहाँ पे आपको दिख जाए आप आंध्र प्रदेश मार दो, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है YSR जगमोहन रेड्डी, तो आपको शायद YSR ना मिले क्वेश्चन में, आपको सिर्फ नवोदय योजना भी देखने को मिल सकता है। तो कहाँ स्टार्ट किया गया है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, यानी आपको दिख रहा है एक खेल और उसके सामने दिख रहा है खिलाड़ी, आपको ये बताना है कौन सा सही नहीं है। जी मिल्खा सिंह फुटबॉल, सानिया मिर्जा टेनिस, साइना नेहवाल बैडमिंटन, विश्वनाथन आनंद शतरंज। आप जानते हो विश्वनाथन आनंद शतरंज खेलते हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है, सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी है, तो आपका जो सही आंसर है वो है जी मिल्खा सिंह फुटबॉल। जी मिल्खा सिंह फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये क्या खेलते हैं? ये गोल्फ खेलते हैं। ठीक है, ये एक गोल्फर है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ के मुताबिक 2018 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के सर्वाधिक मामले किस देश में दर्ज की गई है? कौन सा देश है? वो देश कोई और नहीं बल्कि अपना ही देश है भारत। ठीक है, आपने क्या सोचा ये पड़ोसी देश में पाकिस्तान बोलूंगा? अरे हर चीज में पाकिस्तान को क्यों घसीटना, हम लोग अपने आप को पहले देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त पद लिंग अनुपात का सही वर्णन निम्न में से कौन सा है? लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है? 1000 मेल पे कितना फीमेल है, इसी को हम लोग लिंग अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सही आंसर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिलोसफर उल रासायनिक दृष्टि से है, फिलोसफर उल रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो फिलोसफर उल रासायनिक दृष्टि से जिंक ऑक्साइड है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृषि रीतियां हमारे जल संसाधनों के प्रदूषण के लिए मूलतः उत्तरदायी हैं? तो कौन सा एक ऐसा कृषि का बोल सकते हो पद्धति है जो हम लोग फॉलो करते हैं जो क्या बोल सकते हैं जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, क्या क्या ऑप्शन? पशुओं की खाद का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, रासायनिक पीड़कनाशियों का अधिक प्रयोग या वनोन्मूलन? तो क्या होगा आपका सही आंसर? अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे दो तीन चार हो सकता है, दो तीन चार, भाई वनोन्मूलन का मतलब हो गया वन की कटाई, वन की कटाई हमारे लिए नुकसानदेह है, पर क्या वो जल प्रदूषण करता है? थोड़ा तो सोचो, जल प्रदूषण में वनोन्मूलन का क्या रोल? बेचारा कुछ नहीं, फालतू का है, गुंडा है तो उसको घसीट लो, कहीं पे भी मर्डर हुआ उसको बुला लो, भाई उस एरिया का वो है ही नहीं तो आप क्यों बुला रहे हो उसको? तो दो ही आपका आंसर होगा, दो और तीन। ठीक है, रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, और जो पीड़कनाशी है उसका हम लोग अधिक यूज करते हैं, उससे भी जो जल है वो प्रदूषित होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दो और तीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक बही प्रवाह द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से किस अपतरिन की किस अपतरिन को उपयोगी पाया जाता है? औद्योगिक बही प्रवाह यानी जो भी उससे वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, लिक्विड मटेरियल जो भी वेस्ट है, ठीक है, वह जल प्रदूषण को रोकने में उससे होने वाले जल प्रदूषण को रोकने में हमें कौन हेल्प करता है, ये आपसे पूछा गया है। कौन सा वो घास है? तो वह है वाटर हाइथिन्स। क्या है? वाटर हाइथिन्स, ये मदद करता है जल प्रदूषण को रोकने में। अगला क्वेश्चन है, जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जल के उपचार में चारकोल हम लोग यूज करते हैं किस कारण से? तो उसका एक प्रॉपर्टी होता है अधिशोषक प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजॉर्प्शन। दो वर्ड होता है, कंफ्यूज मत होना, अब्सॉर्प्शन अब्सॉर्ब करता है और एडजॉर्प्शन कुछ और है। ठीक है, देखो ये है कोई मटेरियल, इसको समझ लेना याद रहेगा, ये है कोई मटेरियल, अब्सॉर्ब करने का मतलब क्या है, इसने इस चीज को सोख लिया। ठीक है, पानी है यहाँ पे, सोख लिया ये पूरा चीज, तो इसको हम लोग बोलते हैं अब्सॉर्ब कर लिया, जैसे आपका रुई वगैरह होता है, ठीक है, या स्पंज आप यूज करते हो, ठीक है, वो अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर ये मटेरियल है और इसके सरफेस पे डिपॉजिट हो जाए कोई चीज, तो हम लोग उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ये प्रॉपर्टी है कोयला का, ठीक है, चारकोल का, कोयला नहीं चारकोल का। चारकोल क्या करता है, ये अपने सरफेस पे किसी भी चीज को आकर्षित कर लेता है और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन या अधिशोषक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त वायुसेना सैन्य अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज 5 का आयोजन किया गया था? एक्स ईस्टर्न ब्रिज 5 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया था? यह भारत और ओमान के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 91वीं इंटरपोल महासभा का साल 2022 में आयोजन करेगा? 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन 2022 में कौन करेगा? ये कौन करेगा? यह भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं कहाँ, किस जगह पर नोबेल पुरस्कार आपको दिया जाता है? ये दिया जाता है स्टॉकहोम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है? अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है? यह नाइजीरिया। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप कि पर डे की तरह आज का सेट भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ठोक दो यार, अभी तक आपने नहीं किया तो आई होप कि आप लोग तो इतना देर में तो कर ही देते हो यार। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ के लिए बोलना जरूरी नहीं है। और क्या अभी भी कोई ऐसा आपका फ्रेंड बचा हुआ है जिसको आपने शेयर नहीं किया है? अगर बच गया है वैसा कोई तो कर दो यार, जो भी यूज़ करते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ पे भी आप यूज़ करते हो, टेलीग्राम वगैरह जो भी यूज़ करते हो, आप शेयर कर दो ताकि सब लोगों तक हम लोगों का पहुंच बन सके। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।